अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सुंदरनगर इकाई के द्वारा ऑफिस के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया। इसकी अध्यक्षता संगठनात्मक जिला सुंदरनगर के जिला संयोजक सचिन चौधरी ने की। सचिन चौधरी ने बताया कि 2 फरवरी को विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा था, लेकिन अभी तक मांगों पर कोई भी विचार प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है, जिसमें मुख्य मांगें आउटसोर्सिंग नीति को समाप्त कर उपयुक्त प्रक्रिया अपनाकर विभागों में रिक्त पड़ रहे पदों को भरा जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का जल्द शिलान्यास, अस्थायी परिसरों में मूलभूत सुविधाएं देने, नियामक आयोग और निजी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार एवं शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगाने, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में छात्रों से ली जा रही अत्यधिक फीस कम करने, नियमों के विरुद्ध काम कर रहे नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त करने, छात्रवृत्ति घोटाले की जांच CBI से जल्द शुरू करने, प्रदेश विश्वविद्यालय में शोधा अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति देने, छात्र संघ चुनाव बहाल करने, प्रदेश में संस्कृत और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जल्द करने की मांग की गई है। सचिन चौधरी ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की मांग भी उठाई गई है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि हमारी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगी। धरने में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खुशबू गुप्ता, इकाई सचिव विनय ठाकुर, प्रशिक्षित नरेंद्र केवल, कृष्ण सिद्धू, सतीश अनिल सुरेंद्र आदि ने भाग लिया। इसी के साथ ही जो है जो हिमाचल प्रदेश में SMC और आउटसोर्सिंग के तहत जो हो रही भर्तियां हैं वह युवाओं के साथ धोखा है, तो विद्यार्थी परिषद जो है इस प्रक्रिया का भी विरोध करती है और सरकार को जो है मांग करती है कि जो है नियमित रूप से जो है भर्तियां करवाई जाएं। और इसी के साथ ही जो है मेडिकल कॉलेज जितने भी हिमाचल प्रदेश में उनके ढांचों को सुदृढ़ किया जाए, एवं साथ ही में जो वहां पर जो है स्टाफ की कमी चली हुई है उसको भी जो है पूरा किया जाए। तो विद्यार्थी परिषद ने आज अपनी इन मुख्य मांगों को लेकर जो है SDM ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हम सरकार को जो है फिर चेताना चाहेंगे कि अगर इन मांगों को जो है जल्द से जल्दी पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद और कड़े आंदोलन लेने के लिए जो है विवश हो जाएगी।